जब हालात बहुत कठिन हो गए मक्कातुल मुकर्रमा के और अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म आने वाला था, तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुजूर ने कहा कि ए अबू बकर तैयार रहना, अमर इलाही के आते ही हम इस शहर को छोड़ देंगे। और फिर वो वक्त आया कि जब कुफार ने हुजूर के घर का मुहासरा कर लिया, आका करीम अलैहिस्सलाम को माज़ल्ला शहीद करने के इरादे से इर्द गिर्द जमा हो गए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने हाथ में खाक पकड़ी और सूरह यासीन पढ़ते हुए उनकी आंखों में झोंकते हुए हुजूर गुजर गए और उन्हें पता भी ना चला। और वो मकान का मुहासरा किए सारी रात खड़े रहे। सुबह बिस्तर से हज़रत अली अल मुर्तज़ा उठे, अल्लाह अकबर। तो आका करीम अलैहिस्सलाम निकल गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक के घर तशरीफ ले गए। अब दरवाजे को दस्तक देने लगे तो आवाज़ आई, हुजूर मैं हाजिर हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक तैयार खड़े थे तो कहा, अबू बकर तुम तैयार हो? कहा, हुजूर आपने कहा नहीं था कि तैयार रहना, कभी हिजरत का हुक्म आ सकता है तो मैं तो उस दिन से ही तैयार रहता हूँ कि कब हुजूर आए और जो फरमाए मैं वही करूँ। और फिर वहाँ से लेके हुजूर को वहाँ तक गए और जबले सौर की चोटी पर, वो गार है, अल्लाह अकबर, उस गार में जाने से कबल हुजूर को बाहर बैठने का कहा। अर्ज की, हुजूर जरा मैं गार के अंदर के माहौल का जायजा ले लूं। गार के अंदर उतरे, पहले उसको साफ किया गार को, फिर देखा जगह जगह सुराख थे, तो अपना अमामा फाड़ के, कमीज उतार के, उसके टुकड़े करके उन सुराखों में कपड़ा दे दिया। दो सुराख एक रिवायत के मुताबिक और एक रिवायत के मुताबिक एक सुराख बच गया, उसमें अपनी एड़ी रख दी और फिर आवाज़ दी, जाने आलम अंदर तशरीफ़ लाइए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम गार में चले गए तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी गोद में आपका सर रखा और हुजूर लेट गए। अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा! सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर को देखा और जी भर के देखा, और ऐसा देखा कि कोई और शरीक भी नहीं था। ये वाक़िया हज़रत सैयदना उमर से रिवायत है, कुतुब सिहा में है, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बात बयान करते हुए रो पड़े। और आप कहा करते थे कि अबू बकर ये गार वाली नेकी मुझे दे दें और मेरी सारी ज़िंदगी की नेकियां ले लें। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक की आगोश में हैं। अब हुआ क्या कि सांप ने जब हर रास्ता मसदूद पाया तो खैर वो उस रास्ते पर पहुँचा जहाँ इंसानी गोश्त नज़र आया, तो सांप ने फिर डंग लगाया। सांप का डंग अचानक, तो इंसान तो कप कपा के रह जाता है, अचानक तो चींटी काट जाए तो इंसान कप कपा के रह जाता है, छिपकली गिर जाए अचानक तो बंदा अपने वजूद को जो है वो मुतवाजन नहीं रख पाता। तो नीचे से सांप और वो डंग लगा रहा है, लेकिन लफ्ज़ सुनिए, यह हज़रत उमर की रिवायत है कि हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपनी टांग को जुम्बश नहीं आने दी, मखाफता अन यतनब्बह रसूलुल्लाह, इस डर से कि कहीं हुजूर बेदार ना हो जाए। सारी तवज्जो इधर रही, बेख्तियार आंखों से आंसू ढलक पड़े, दर्द की शिद्दत इतनी थी, और आंसू गिरे तो हुजूर के रुखसार पे। आका करीम बेदार हो गए। बेदार होते ही मेरे हुजूर ने कहा, मालका या अबा बकर, अबू बकर क्या हुआ? तो ये होती है हंगामी सूरत हाल। हंगामी सूरत हाल में किसी को पुकारें या किसी को कोई जवाब दें तो मुरवजा आदाब की रियायत के साथ जो लफ्ज़ बोले जाते हैं वो तर्क करने पड़ते हैं। इस माइक में करंट था तो मैं करीब होने लगा, तो आपने मुझे मुतनब्बे करना था, तो मेरे साथ आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, तो आपने अगर मुझे ये बताना हो कि इसमें करंट है और अगर आपने मुँह करीब कर लिया तो आपको नुकसान पहुँच सकता है, तो मेरे नाम के साथ 20 अलकाब लेंगे आप? नहीं लेंगे। आप जल्दी जल्दी जो है वो मुझे कहेंगे, जनाब यहां करंट है तो मैं यहीं से रुक जाऊंगा, ये तो है कि आप मेरे लिए कर रहे हैं, और अपने लिए किसी को पुकारें तो फिर भी यही बात है। अल्लाह अकबर। अब हुजूर ने जब कहा ना, मालका या अबा बकर, अबू बकर क्या हुआ, तो अब हंगामी सूरत हाल थी ना, तो फौरन कहते लुदेख्तो लुदेख्तो, डसा गया, मुझे सांप ने डस लिया, फौरन ये कहते ना। लेकिन हजरत अबू बकर तेरी मोहब्बत पे कुर्बान, कायनात में आपने ऐसा आशिक नहीं देखा होगा, सांप डंग पे डंग लगा रहा है और टांग शल हो गई है, जहर सरायत कर गया है। हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, लुदेख तो फिदा का उम्मी व अभी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरी माँ भी आपके कदमों पर कुर्बान, मेरा बाप भी आपकी राहों पर नछावर, मुझे सांप ने डस लिया है। तो इस मुश्किल वक्त के अंदर भी अदब का करीना नहीं छोड़ा। जब मेराज का वाक्य हुआ
तो ये बहुत अजीब व गरीब वाकया था। तो आका करीम ने जब ऐलान किया के बताया कि अल्लाह ने यूं मुझे खलवतों में बुलाया, तो कुरैश ने समझा कि इससे बढ़कर और मौका क्या मिलेगा प्रोपेगंडे का। तो कहा अबू बकर कोई नई बात सुनी है? कहा तुम सुना दो। कहा अगर कोई कहे कि रात की मुख्तसर तन्हाई में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक पहुंचा हूं, फिर वहां से वापस भी आ गया हूं, तो बात मानने में आती है? आपने बरजस्ता कहा बिल्कुल मानने में नहीं आती। इतने मुख्तसर वक्त में मस्जिद अक्सा जाए और फिर पलट के भी आ जाए, कम से कम 2 माह चाहिए। 1 महीना जाते हुए लगता है, 1 महीना आते हुए लगता है, कुछ छू के भी आए तो 2 माह चाहिए। तो समझा कि लोहा खूब गर्म हो गया, अब चोट टिकाने पर बैठेगे। कहा मानने में नहीं ना आती? कहा बिल्कुल नहीं मानने में आती। तो कहा फिर तेरा यार ही तो कहता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया वो वाकई कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, उन्हीं का कहना है। तो हजरत अबू बकर बोले लयन कालहू फकद सदका फउसद्दिको, अगर उन्होंने कहा है तो सच कहा है, मैं तस्दीक करता हूं। कहा अभी तो तुम कह रहे थे कोई कहे तो मानने में नहीं आता। कहा कोई कहे तो अब भी नहीं मानूंगा, वो इससे भी अजीब कहे तो मान लूंगा। अल्लाह अकबर। फबिज़ालिका सुम्मिया सिद्दीक, उलमा ने लिखा ये वो वजह थी जिसकी वजह से आपको सिद्दीक पुकारा जाने लगा, मेराज की तस्दीक की और सिद्दीक कहलाए। सिद्दीक तस्दीक से भी है, और सारी जिंदगी आपने झूठ जुबान पे नहीं आने दिया। आपकी तबा में जो सदाकत रची बसी थी, बल्कि एक मुश्किल वक्त आया आप पर, वो जब हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ और हिजरत करके हुजूर मक्का से मदीना की तरफ आज़म सफ़र हुए, तो हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो साथ थे। मक्कतुल मुकर्रमा से जो मदीनतुल मुनव्वरा है वो शमाल की जानब है, और गारे सौर मक्कतुल मुकर्रमा से जनूब की समत है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने सफ़र करना था मदीना शरीफ का, तो शमाल की समत नहीं गए, बल्कि वहाँ से सफ़र जनूब की जानब किया, और फिर वहाँ से हुजूर जो है वो 3 दिन गुजारने के बाद मदीनतुल मुनव्वरा की जानब रवाना हुए। ये सारे इधर ढूंढ ढूंढते थकते रहे और हुजूर वहाँ आराम करते रहे, और 3 दिन के बाद जब ढूंढ ढूंढ के इनको कुछ ना मिला तो आका करीम वहाँ से निकले और सीधा मदीनतुल मुनव्वरा की जानब आज़म सफ़र हुए। इन्होंने 100 सुर्ख ऊँट हुजूर की गिरफ्तारी के लिए इनाम रखा हुआ था, तो मुख्तलिफ कबाइल के लोग हुजूर को ढूंढने के लिए निकले थे कि बहुत बड़ा इनाम है, 100 सुर्ख ऊंट मिलेंगे। ऐसे लोग भी तलाश कर रहे थे जो हुजूर को जानते नहीं थे। तो रास्ते के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक से कोई शख्स मिला और उसे शक पड़ा कि जिनको मैं ढूंढ रहा हूं कि वो कहीं यही ना हो। तो उसने अबू बकर सिद्दीक से पूछा आपका नाम? तो उन्होंने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है, अबू बकर हूं। तो उसने फिर हुजूर का पूछा। अब हुजूर को वो ढूंढ रहे हैं, आज इम्तिहान आया ना, सिद्दीक अकबर की सदाकत का इम्तिहान आ गया और इश्क का इम्तिहान आ गया। अगर कहें ये हुजूर हैं तो इश्क गवारा नहीं करता कि ये गिरफ्तारी अमल में आए, और अगर कहें कि ये हुजूर नहीं हैं तो अबू बकर सिद्दीक कैसे रहेंगे? आजकल तो वो सड़कें बन गई हैं और साइन लगे हुए हैं, आप अकेले यहां से निकलें तो जहां जाना चाहें खुद जा सकते हैं। उस वक्त तो पहाड़ी रास्ते होते थे, या तो लोग काफलों के साथ चलते थे, और अगर किसी को हंगामी तौर पे अकेले जाना पड़ता तो वो गाइड साथ लेता जो रास्ते बताता, उसको अरबी में हादी कहते हैं, हादी रहनुमा गाइड जो रास्ता बताता। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक से उसने पूछा ये कौन है आपके साथ? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले हाजा हादीन यहदीनी इला सिरातिल मुस्तकीम, ये मेरा हादी है जो मुझे सीधी राह पे चला रहा है। तो वो समझा ये वो वाला हादी है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक दिलो कल्बो निगाह का मुर्शिद करार दे। जब हालात बहुत कठिन हो गए मक्कातुल मुकर्रमा के और अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म आने वाला था, तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो को हुजूर ने कहा कि ए अबू बकर तैयार रहना, अमरे इलाही के आते ही हम इस शहर को छोड़ देंगे।
और फिर वो वक्त आया कि जब कुफार ने हुजूर के घर का मुहासरा कर लिया, आका करीम अलैहिस्सलाम को माजल्ला शहीद करने के इरादे से इर्द गिर्द जमा हो गए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने हाथ में खाक पकड़ी और सूरह यासीन पढ़ते हुए उनकी आंखों में झोंकते हुए हुजूर गुजर गए और उन्हें पता भी ना चला। और वो मकान का मुहासरा किए सारी रात खड़े रहे। सुबह बिस्तर से हज़रत अली मुर्तज़ा उठे, अल्लाह अकबर। तो आका करीम अलैहिस्सलाम निकल गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर तशरीफ ले गए। अब दरवाजे को दस्तक देने लगे तो आवाज आई, हुजूर मैं हाजिर हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक तैयार खड़े थे तो कहा, अबू बकर तुम तैयार हो? कहा, हुजूर आपने कहा। जब हालात बहुत कठिन हो गए मक्कातुल मुकर्रमा के और अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म आने वाला था तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो को हुजूर ने कहा कि ए अबू बकर तैयार रहना, अमरे इलाही के आते ही हम इस शहर को छोड़ देंगे। और फिर वो वक्त आया कि जब कुफार ने हुजूर के घर का मुहासरा कर लिया, आका करीम अलैहिस्सलाम को माजल्ला शहीद करने के इरादे से इर्द गिर्द जमा हो गए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने हाथ में खाक पकड़ी और सूरह यासीन पढ़ते हुए उनकी आंखों में झोंकते हुए हुजूर गुजर गए और उन्हें पता भी ना चला। और वो मकान का मुहासरा किए सारी रात खड़े रहे। सुबह बिस्तर से हज़रत अली मुर्तज़ा उठे, अल्लाह अकबर। तो आका करीम अलैहिस्सलाम निकल गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर तशरीफ ले गए। अब दरवाजे को दस्तक देने लगे तो आवाज आई, हुजूर मैं हाजिर हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक तैयार खड़े थे तो कहा, अबू बकर तुम तैयार हो? कहा, हुजूर आपने कहा नहीं था कि तैयार रहना? कभी हिजरत का हुक्म आ सकता है तो मैं तो उस दिन से ही तैयार रहता हूं कि कब हुजूर आए और जो फरमाए मैं वही करूं। और फिर वहां से लेके हुजूर को वहां तक गए और जबले सौर की चोटी पर, वो गार है, अल्लाह अकबर, उस गार में जाने से कबल हुजूर को बाहर बैठने का कहा। अर्ज की, हुजूर जरा मैं गार के अंदर के माहौल का जायजा ले लूं। गार के अंदर उतरे, पहले उसको साफ किया गार को, फिर देखा जगह जगह सुराख थे तो अपना अमामा फाड़ के, कमीज उतार के, उसके टुकड़े करके उन सुराखों में कपड़ा दे दिया। दो सुराख एक रिवायत के मुताबिक और एक रिवायत के मुताबिक एक सुराख बच गया, उसमें अपनी एड़ी रख दी और फिर आवाज दी, जाने आलम अंदर तशरीफ लाइए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम गार में चले गए तो सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी गोद में आपका सर रखा और हुजूर लेट गए। अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा! सिद्दीक अकबर ने हुजूर को देखा और जी भर के देखा और ऐसा देखा कि कोई और शरीक भी नहीं था। ये वाकया हजरत सैयदना उमर से रिवायत है, कुतुब सिहा में है। और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ये बात बयान करते हुए रो पड़े और आप कहा करते थे कि अबू बकर ये गार वाली नेकी मुझे दे दें और मेरी सारी जिंदगी की नेकियां ले लें। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक की आगोश में हैं। अब हुआ क्या कि सांप ने जब हर रास्ता मसदूद पाया तो खैर वो उस रास्ते पर पहुंचा जहां इंसानी गोश्त नजर आया, तो सांप ने फिर डंग लगाया। सांप का डंग अचानक, तो इंसान तो कप कपा के रह जाता, अचानक तो चींटी काट जाए तो इंसान कप कपा के रह जाता है। छिपकली गिर जाए अचानक तो बंदा अपने वजूद को जो है वो मुतवाजन नहीं रख पाता। तो नीचे से सांप और वो डंग लगा रहे, लेकिन लफ्ज सुनिए, ये हजरत उमर की रिवायत है कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपनी टांग को जुम्बश नहीं आने दी, मखाफता अन यतनब्बहा रसूलुल्लाह, इस डर से कि कहीं हुजूर बेदार ना हो जाए। सारी तवज्जो इधर रही, बेख्तियार आंखों से आंसू ढलक पड़े, दर्द की शिद्दत इतनी थी। और आंसू गिरे तो हुजूर के रुखसार पे, आका करीम बेदार हो गए। बेदार होते ही मेरे हुजूर ने कहा, मालका या अबा बकर, अबू बकर क्या हुआ? तो ये होती है हंगामी सूरत हाल। हंगामी सूरत हाल में किसी को पुकारें या किसी को कोई जवाब दें तो मुरवजा आदाब की रियायत के साथ जो लफ्ज़ बोले जाते हैं वो तर्क करने पड़ते हैं। इस माइक में करंट था तो मैं करीब होने लगा तो आपने मुझे मुतनब्बे करना था, तो मेरे साथ आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, तो आपने अगर मुझे ये बताना हो कि इसमें करंट है और अगर आपने मुँह करीब कर लिया तो आपको नुकसान पहुँच सकता है, तो मेरे नाम के साथ 20 अलकाब लेंगे आप? नहीं लेंगे। आप जल्दी जल्दी जो है वो मुझे कहेंगे, जनाब यहां करंट है तो मैं यहीं से रुक जाऊंगा।
یہ تو ہے کہ آپ میرے لیے کر رہے ہیں، اور اپنے لیے کسی کو پکاریں تو پھر بھی یہی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور نے جب کہا نا مالک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا، تو اب ہنگامی صورتحال تھی نا، تو فوراً کہتے لدغتو لدغتو، ڈسا گیا ڈسا گیا، مجھے سانپ نے ڈس لیا، فوراً یہ کہتے نا۔ لیکن حضرت ابو بکر تیری محبت پہ قربان، کائنات میں آپ نے ایسا عاشق نہیں دیکھا ہوگا، سانپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے اور ٹانگ شل ہو گئی ہے، زہر سرایت کر گیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا لدغتو فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو اس مشکل وقت کے اندر بھی ادب کا کرینہ نہیں چھوڑا۔ جب معراج کا واقعہ ہوا تو یہ بہت عجیب و غریب واقعہ تھا، تو آقا کریم نے جب اعلان کیا کہ بتایا کہ اللہ نے یوں مجھے خلوتوں میں بلایا، تو قریش نے سمجھا کہ اس سے بڑھ کر اور موقع کیا ملے گا پراپیگنڈے کا، تو کہا ابو بکر کوئی نئی بات سنی ہے، کہا تم سنا دو، کہا اگر کوئی کہے کہ رات کی مختصر تنہائی میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچا ہوں، پھر وہاں سے واپس بھی آ گیا ہوں، تو بات ماننے میں آتی ہے؟ آپ نے برجستہ کہا بالکل ماننے میں نہیں آتی، اتنے مختصر وقت میں مسجد اقصیٰ جائے اور پھر پلٹ کے بھی آ جائے، کم از کم 2 ماہ چاہیے، ایک مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، ایک مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے، کچھ چھو کے بھی آئے تو 2 ماہ چاہیے۔ تو سمجھا کہ لوہا خوب گرم ہو گیا، اب چوٹ ٹکانے پہ بیٹھے گئے۔ کہا ماننے میں نہیں نہ آتی؟ کہا بالکل نہیں ماننے میں آتی۔ تو کہا پھر تیرا یار ہی تو کہتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا وہ واقعی کہتے ہیں؟ ہاں ہاں ہاں، انہی کا کہنا ہے۔ تو حضرت ابو بکر بولے لئن قالہ فقد صدق فاصدقہ، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، میں تصدیق کرتا ہوں۔ کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کوئی کہے تو ماننے میں نہیں آتا، کہا کوئی کہے تو اب بھی نہیں مانوں گا، وہ اس سے بھی عجیب کہے تو مان لوں گا۔ اللہ اکبر۔ فبذلک سمی صدیق، علماء نے لکھا یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ کو صدیق پکارا جانے لگا، معراج کی تصدیق کی اور صدیق کہلائے۔ صدیق تصدیق سے بھی ہے، اور ساری زندگی آپ نے جھوٹ زبان پہ نہیں آنے دیا، آپ کی طبع میں جو صداقت رچی بسی تھی، بلکہ ایک مشکل وقت آیا آپ پر، وہ جب حضور علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا اور ہجرت کر کے حضور مکہ سے مدینہ کی طرف عزم سفر ہوئے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ مکہ المکرمہ سے جو مدینہ المنورہ ہے وہ شمال کی جانب ہے، اور غار ثور مکہ المکرمہ سے جنوب کی سمت ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے سفر کرنا تھا مدینہ شریف کا، تو شمال کی سمت نہیں گئے بلکہ وہاں سے سفر جنوب کی جانب کیا، اور پھر وہاں سے حضور جو ہے وہ 3 دن گزارنے کے بعد مدینہ المنورہ کی جانب روانہ ہوئے۔ یہ سارے ادھر ڈھونڈ ڈھونڈتے تھکتے رہے، اور حضور وہاں آرام کرتے رہے، اور 3 دن کے بعد جب ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو کچھ نہ ملا، تو آقا کریم وہاں سے نکلے اور سیدھا مدینہ المنورہ کی جانب عزم سفر ہوئے۔ انہوں نے 100 سرخ اونٹ حضور کی گرفتاری کے لیے انعام رکھا ہوا تھا، تو مختلف قبائل کے لوگ حضور کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے کہ بہت بڑا انعام ہے، 100 سرخ اونٹ ملیں گے۔ ایسے لوگ بھی تلاش کر رہے تھے جو حضور کو جانتے نہیں تھے۔ تو راستے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق سے کوئی شخص ملا، اور اسے شک پڑا کہ جن کو میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ کہیں یہی نہ ہو، تو اس نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا آپ کا نام؟ تو انہوں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے، ابو بکر ہوں۔ تو اس نے پھر حضور کا پوچھا، اب حضور کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں، آج امتحان آیا نا، صدیق اکبر کی صداقت کا امتحان آ گیا اور عشق کا امتحان آ گیا، اگر کہیں یہ حضور ہیں تو عشق گوارا نہیں کرتا کہ یہ گرفتاری عمل میں آئے، اور اگر کہیں کہ یہ حضور نہیں ہیں تو ابو بکر صدیق کیسے رہیں گے؟ آج کل تو وہ سڑکیں بن گئی ہیں اور سائن لگے ہوئے ہیں، آپ اکیلے یہاں سے نکلیں تو جہاں جانا چاہیں خود جا سکتے ہیں۔ اس وقت تو پہاڑی راستے ہوتے تھے، یا تو لوگ قافلوں کے ساتھ چلتے تھے، اور اگر کسی کو ہنگامی طور پہ اکیلے جانا پڑتا تو وہ گائیڈ ساتھ لیتا جو راستے بتاتا، اس کو عربی میں ہادی کہتے ہیں، ہادی، رہنما، گائیڈ، جو راستہ بتاتا۔
तो हजरत अबू बकर सिद्दीक से उसने पूछा ये कौन है आपके साथ, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले हाजा हादीन यहदीनी इला सिरातिल मुस्तकीम, ये मेरा हादी है जो मुझे सीधी राह पे चला रहा है। तो वो समझा ये वो वाला हादी है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक दिलो कल्ब व निगाह का मुर्शिद करार दे। जब हालात बहुत कठिन हो गए मक्कातुल मुकर्रमा के और अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म आने वाला था, तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो को हुजूर ने कहा कि ए अबू बकर तैयार रहना, अमर इलाही के आते ही हम इस शहर को छोड़ देंगे। और फिर वो वक्त आया कि जब कुफार ने हुजूर के घर का मुहासरा कर लिया, आका करीम अलैहिस्सलाम को माजल्ला शहीद करने के इरादे से इर्द गिर्द जमा हो गए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने हाथ में खाक पकड़ी और सूरह यासीन पढ़ते हुए उनकी आंखों में झोंकते हुए हुजूर गुजर गए और उन्हें पता भी ना चला। और वो मकान का मुहासरा किए सारी रात खड़े रहे, सुबह बिस्तर से हजरत अली अल मुर्तजा उठे, अल्लाह अकबर। तो आका करीम अलैहिस्सलाम निकल गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर तशरीफ ले गए। अब दरवाजे को दस्तक देने लगे तो आवाज आई, हुजूर मैं हाजिर हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक तैयार खड़े थे तो कहा अबू बकर तुम तैयार हो? कहा हुजूर आपने कहा। जब हालात बहुत कठिन हो गए मक्कातुल मुकर्रमा के और अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म आने वाला था, तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो को हुजूर ने कहा कि ए अबू बकर तैयार रहना, अमर इलाही के आते ही हम इस शहर को छोड़ देंगे। और फिर वो वक्त आया कि जब कुफार ने हुजूर के घर का मुहासरा कर लिया, आका करीम अलैहिस्सलाम को माजल्ला शहीद करने के इरादे से इर्द गिर्द जमा हो गए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने हाथ में खाक पकड़ी और सूरह यासीन पढ़ते हुए उनकी आंखों में झोंकते हुए हुजूर गुजर गए और उन्हें पता भी ना चला। और वो मकान का मुहासरा किए सारी रात खड़े रहे, सुबह बिस्तर से हजरत अली अल मुर्तजा उठे, अल्लाह अकबर। तो आका करीम अलैहिस्सलाम निकल गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर तशरीफ ले गए। अब दरवाजे को दस्तक देने लगे तो आवाज आई, हुजूर मैं हाजिर हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक तैयार खड़े थे तो कहा अबू बकर तुम तैयार हो? कहा हुजूर आपने कहा नहीं था कि तैयार रहना, कभी हिजरत का हुक्म आ सकता है तो मैं तो उस दिन से ही तैयार रहता हूं कि कब हुजूर आए और जो वरमाए मैं वही करूं। और फिर वहां से लेके हुजूर को वहां तक गए और जबले सौर की चोटी पर वो गार है, अल्लाह अकबर, उस गार में जाने से कबल हुजूर को बाहर बैठने का कहा। अर्ज की हुजूर जरा मैं गार के अंदर के माहौल का जायजा ले लूं। गार के अंदर उतरे, पहले उसको साफ किया गार को, फिर देखा जगह जगह सुराख थे, तो अपना अमामा फाड़ के कमीज उतार के उसके टुकड़े करके उन सुराखों में कपड़ा दे दिया। दो सुराख एक रिवायत के मुताबिक और एक रिवायत के मुताबिक एक सुराख बच गया, उसमें अपनी एड़ी रख दी और फिर आवाज दी जाने आलम अंदर तशरीफ लाइए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम गार में चले गए तो सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी गोद में आपका सर रखा और हुजूर लेट गए। अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा! सिद्दीक अकबर ने हुजूर को देखा और जी भर के देखा, और ऐसा देखा कि कोई और शरीक भी नहीं था। ये वाकया हजरत सैयदना उमर से रिवायत है, कुतुब सिहा में है, और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ये बात बयान करते हुए रो पड़े। और आप कहा करते थे कि अबू बकर ये गार वाली नेकी मुझे दे दें और मेरी सारी जिंदगी की नेकियां ले लें। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक की आगोश में हैं। अब हुआ क्या कि सांप ने जब हर रास्ता मसदूद पाया तो खैर वो उस रास्ते पर पहुंचा जहां इंसानी गोश्त नजर आया, तो सांप ने फिर डंग लगाया। सांप का डंग अचानक, तो इंसान तो कप कपा के रह जाता है, अचानक तो चींटी काट जाए तो इंसान कप कपा के रह जाता है, छिपकली गिर जाए अचानक तो बंदा अपने वजूद को जो है वो मुतवाजन नहीं रख पाता। तो नीचे से सांप और वो डंग लगा रहे, लेकिन लफ्ज सुनिए, यह हजरत उमर की रिवायत है कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपनी टांग को जुम्बश नहीं आने दी, मखाफता अन यतनब्बहा रसूलुल्लाह, इस डर से कि कहीं हुजूर बेदार ना हो जाए। सारी तवज्जो इधर रही, बेख्तियार आंखों से आंसू ढलक पड़े, दर्द की शिद्दत इतनी थी, और आंसू गिरे तो हुजूर के रुखसार पे। आका करीम बेदार हो गए। बेदार होते ही मेरे हुजूर ने कहा मालका या अबा बकर, अबू बकर क्या हुआ? तो यह होती है हंगामी सूरत हाल। हंगामी सूरत हाल में किसी को पुकारें
या किसी को कोई जवाब दें तो मुरवजा आदाब की रियायत के साथ जो लफ्ज़ बोले जाते हैं वो तर्क करने पड़ते हैं। इस माइक में करंट था तो मैं करीब होने लगा तो आपने मुझे मुतनब्बे करना था, तो मेरे साथ आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, तो आपने अगर मुझे ये बताना हो कि इसमें करंट है और अगर आपने मुंह करीब कर लिया तो आपको नुकसान पहुंच सकता है, तो मेरे नाम के साथ 20 अलकाब लेंगे आप? नहीं लेंगे। आप जल्दी जल्दी जो है वो मुझे कहेंगे जनाब यहां करंट है तो मैं यहीं से रुक जाऊंगा। ये तो है कि आप मेरे लिए कर रहे हैं, और अपने लिए किसी को पुकारें तो फिर भी यही बात है। अल्लाह अकबर। अब हुजूर ने जब कहा ना मालका या अबा बकर, अबू बकर क्या हुआ, तो अब हंगामी सूरत हाल थी ना, तो फौरन कहते लुदेख तो डसा गया मुझे सामने डस लिया, फौरन ये कहते ना। लेकिन हजरत अबू बकर तेरी मोहब्बत पे कुर्बान, कायनात में आपने ऐसा आशिक नहीं देखा होगा, सांप डंग पे डंग लगा रहा है और टांग शल हो गई है, जहर सरायत कर गया है। हजरत अबू बकर ने जवाब दिया लुदेख तो फिदा का उम्मी व अभी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरी माँ भी आपके कदमों पर कुर्बान, मेरा बाप भी आपकी राहों पर नछावर, मुझे सांप ने डस लिया है। तो इस मुश्किल वक्त के अंदर भी अदब का करीना नहीं छोड़ा। जब मेराज का वाकया हुआ तो ये बहुत अजीब और गरीब वाकया था, तो आका करीम ने जब ऐलान किया आके बताया कि अल्लाह ने यूं मुझे खलवतों में बुलाया, तो कुरैश ने समझा कि इससे बढ़कर और मौका क्या मिलेगा प्रोपेगंडे का। तो कहा अबू बकर कोई नई बात सुनी है? कहा तुम सुना दो। कहा अगर कोई कहे कि रात की मुख्तसर तन्हाई में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक पहुंचा हूं, फिर वहां से वापस भी आ गया हूं, तो बात मानने में आती है? आपने बरजस्ता कहा बिल्कुल मानने में नहीं आती, इतने मुख्तसर वक्त में मस्जिद अक्सा जाए और फिर पलट के भी आ जाए, कम से कम दो माह चाहिए, एक महीना जाते हुए लगता है एक महीना आते हुए लगता है, कुछ छू के भी आए तो दो माह चाहिए। तो समझा कि लोहा खूब गर्म हो गया, अब चोट टिकाने पर बैठेगे। कहा मानने में नहीं ना आती? कहा बिल्कुल नहीं मानने में आती। तो कहा फिर तेरा यार ही तो कहता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया वो वाकई कहते हैं? हाँ 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 उन्हीं का कहना है। तो हजरत अबू बकर बोले लइन कालहू फकद सदका फउसद्दिको, अगर उन्होंने कहा है तो सच कहा है, मैं तस्दीक करता हूं। कहा अभी तो तुम कह रहे थे कोई कहे तो मानने में नहीं आता। कहा कोई कहे तो अब भी नहीं मानूंगा, वो इससे भी अजीब कहे तो मान लूंगा। अल्लाह अकबर। फबिज़ालिका सुम्मिया सिद्दीक, उलमा ने लिखा ये वो वजह थी जिसकी वजह से आपको सिद्दीक पुकारा जाने लगा, मेराज की तस्दीक की और सिद्दीक कहलाए। सिद्दीक तस्दीक से भी है, और सारी जिंदगी आपने झूठ जुबान पे नहीं आने दिया, आपकी तबा में जो सदाकत रची बसी थी, बल्कि एक मुश्किल वक्त आया आप पर, वो जब हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ और हिजरत करके हुजूर मक्का से मदीना की तरफ आज़म सफ़र हुए, तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु साथ थे। मक्कतुल मुकर्रमा से जो मदीनतुल मुनव्वरा है वो शमाल की जानब है, और गारे सौर मक्कतुल मुकर्रमा से जनूब की समत है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने सफ़र करना था मदीना शरीफ का, तो शमाल की समत नहीं गए बल्कि वहाँ से सफ़र जनूब की जानब किया, और फिर वहाँ से हुजूर जो है वो तीन दिन गुजारने के बाद मदीनतुल मुनव्वरा की जानब रवाना हुए। ये सारे इधर ढूंढ ढूंढते थकते रहे और हुजूर वहाँ आराम करते रहे, और तीन दिन के बाद जब ढूंढ ढूंढ के इनको कुछ ना मिला तो आका करीम वहाँ से निकले और सीधा मदीनतुल मुनव्वरा की जानब आज़म सफ़र हुए। इन्होंने 100 सुरख ऊँट हुजूर की गिरफ्तारी के लिए इनाम रखा हुआ था, तो मुख्तलिफ कबाइल के लोग हुजूर को ढूंढने के लिए निकले थे कि बहुत बड़ा इनाम है, 100 सुरख ऊँट मिलेंगे। ऐसे लोग भी तलाश कर रहे थे जो हुजूर को जानते नहीं थे। तो रास्ते के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक से कोई शख्स मिला और उसे शक पड़ा कि जिनको मैं ढूंढ रहा हूं कि वो कहीं यही ना हो, तो उसने अबू बकर सिद्दीक से पूछा आपका नाम? तो उन्होंने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है, अबू बकर हूं। तो उसने फिर हुजूर का पूछा। अब हुजूर को वो ढूंढ रहे हैं, आज इम्तिहान आया ना,
صدیق اکبر کی صداقت کا امتحان آ گیا اور عشق کا امتحان آ گیا. اگر کہیں یہ حضور ہیں تو عشق گوارا نہیں کرتا کہ یہ گرفتاری عمل میں آئے, اور اگر کہیں کہ یہ حضور نہیں ہیں تو ابو بکر صدیق کیسے رہیں گے؟ آج کل تو وہ سڑکیں بن گئی ہیں اور سائن لگے ہوئے ہیں, آپ اکیلے یہاں سے نکلیں تو جہاں جانا چاہیں خود جا سکتے ہیں. اس وقت تو پہاڑی راستے ہوتے تھے, یا تو لوگ قافلوں کے ساتھ چلتے تھے, اور اگر کسی کو ہنگامی طور پہ اکیلے جانا پڑتا تو وہ گائیڈ ساتھ لیتا جو راستے بتاتا, اس کو عربی میں ہادی کہتے ہیں, ہادی رہنما گائیڈ جو راستہ بتاتا. تو حضرت ابو بکر صدیق سے اس نے پوچھا یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو حضرت ابو بکر صدیق بولے ھذا ھادی یھدینی الی صراط المستقیم, یہ میرا ہادی ہے جو مجھے سیدھی راہ پہ چلا رہا ہے. تو وہ سمجھا یہ وہ والا ہادی ہے, لیکن حضرت ابو بکر صدیق دل و قلب و نگاہ کا مرشد قرار دے. جب حالات بہت کٹھن ہو گئے مکہ المکرمہ کے اور اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آنے والا تھا, تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کہا کہ اے ابو بکر تیار رہنا, امر الہی کے آتے ہی ہم اس شہر کو چھوڑ دیں گے. اور پھر وہ وقت آیا کہ جب کفار نے حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا, آقا کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے ارد گرد جمع ہو گئے. آقا کریم علیہ السلام والسلام نے ہاتھ میں خاک پکڑی اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں جھونکتے ہوئے حضور گزر گئے, اور انہیں پتہ بھی نہ چلا, اور وہ مکان کا محاصرہ کیے ساری رات کھڑے رہے. صبح بستر سے حضرت علی المرتضیٰ اٹھے, اللہ اکبر. تو آقا کریم علیہ السلام نکل گئے اور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے. اب دروازے کو دستک دینے لگے تو آواز آئی حضور میں حاضر ہوں. حضرت ابو بکر صدیق تیار کھڑے تھے تو کہا ابو بکر تم تیار ہو؟ کہا حضور آپ نے کہا.